भिवंडी के क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। हम आपको बता दें कि घर फोड़ी, चोरी चैन और मोबाइल, जबरी वाहनों चोरी करने वाले मुख्य आरोपियों को भिवंडी के क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। इसको लेकर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अशोक हनुमाने की अध्यक्षता में रखा गया, जहां पर विशेष तौर पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18,47,874 रुपए का माल जो है उन्होंने जब्त किया है, जिसमें से 20 तोला जो कि सोना बताया जा रहा है और उसमें 7 जो है मोटरसाइकिलें बताई जा रही है। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी शहर में सिगरेट के गोडाउन में चोरी हुआ था, जिसमें 4,27,874 रुपए का माल जो है चोरी की गई थी, जिसकी शिकायत भिवंडी के शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। ऐसे में आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए अशोक हनुमाने ने क्या कहा, आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन क्राइम ब्रांच की जो टीम है, इसमें हम आपको बता दें कि महेंद्र जादो, रविंद्र पाटिल, संतोष चौधरी, लक्ष्मण जोरी, भोलेनाथ सिड़के, सुभाष अहिरे, लतीफ मंसूरी, सुधाकर चौधरी, विकास लोहारे, विष्णु सुखसातपुते, रविंद्र पाटिल, किशोर माने, नवनाथ परधी, दिलीप सिरसाट, रमेश सिंगे, विकास सिरसाट, राजेंद्र अलहाटा, परवीन जादव, रविंद्र संभारे, प्रकाश पाटिल, अनिल पाटिल, सत्यशील औचारे, प्रमोद जादव, संदीप राजे, अमीन ताड़वी, प्रमोद धाड़वे, सिद्धार्थ गुंडाकारी, रविंद्र सुड़के, नीता पाटिल, मेघना कुंभार। विशेष तौर पर क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, जिसमें हम आपको बता दें कि मुख्य आरोपी दीपक दयाराम मिश्रा, जिसकी उम्र 28 साल है, साथ ही साथ इमरान उर्फ इसका इस्माइल शेख, जिसकी उम्र भी विशेष तौर पर 26 वर्ष बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि कुल क्राइम ब्रांच ने 18,47,874 रुपये का रोक रकम जो है वो जब्त की है। इसमें 7 वाहन, 20 ग्राम सोने के दागिने बताए जा रहे हैं। ऐसे में पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच के अशोक हनुमाने, जो कि इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय जुरिडिक्शन में जो होने वाले घरपोड़ी चोरी के गुने, चेन स्नैचिंग के, मोबाइल स्नैचिंग के, रॉबरी के और इतर, इसको प्रतिबंध करके जो गुने दाखिल हो गए हैं वो उसकी उकल करने के लिए मैंने पुलिस आयुक्त सो और इतर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सो, इन्होंने जो सूचना और मार्गदर्शन किया उसके तहत भिवंडी यूनिट नंबर 2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत सो, इनके मार्गदर्शन से भिवंडी यूनिट 2 के अधिकारी और कर्मचारी इन्होंने मेहनत करके एक रमजान शेख इसको अरेस्ट किया। इससे 7 गाड़ी चोरी के केसेस ओपन करके उसे हस्तगत किया है और दूसरा एक आरोपी है जो दूसरा केस में नई मुंबई सानपाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 2017 नवंबर में जो एक बैंक ऑफ बड़ौदा की केस हो गई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे से उसको भुयार निकाल के वहाँ घरपोड़ी ये कर चोरी करके करोड़ों रुपए के दागिने, जेवर और कैश वो चोरी किए थे, उसमें से जो एक फरार आरोपी था दीपक दयाराम मिश्रा जो प्रमुख आरोपी था, इन्होंने वो सब भुयार निकालने का और लॉकर तोड़ने का काम किया था। इसको मौका अन्वय कार्रवाई की गई है, गए 1.5 साल से वो फरार था। उसके बारे में ये यूनिट 2 को हमें उसकी जानकारी मिली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो वर्कआउट करके हमने उसको ताबे में ले लिया है और उसको अरेस्ट किया। उससे पूछताछ में उन्होंने ठाणे पुलिस आयुक्तालय के जुरिडिक्शन में भी घरपोड़ी चोरी के गुने उसके बाद में किए, ऐसा उस इंट्रोगेशन में निकल गया। उसमें 5 केसेस डिटेक्ट कर दिया है हमने उससे और 203 ग्राम का सोना, लगभग 6 लाख रुपए के ऊपर का सोना है वो हस्तगत करके हमने केस डिटेक्ट किया है और वो आरोपी को नई मुंबई के
हवाले कर दिया है। तीसरा एक केस में आरोपी फैयाज शेख करके उर्फ पप्पलू, इसको अरेस्ट करके उसने ये नई मुंबई और थाना कमिश्नरेट के जुरिडिक्शन में चेन स्नैचिंग और मोबाइल के गुने किया हुआ उसने इंट्रोगेशन में बताया। उसे 10 चेन स्नैचिंग के केसेस और 2 मोबाइल स्नैचिंग के केसेस उसे हमने डिटेक्ट करके करीब 223 ग्राम का सोना, लगभग 6 से 7 लाख रुपए का सोना हमने रिकवर किया है। उसमें एक ज्वेलर्स वाले को भी अरेस्ट किया है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें अब तक करीब 18,47,000 रुपीज़ का माल हस्तगत करके लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, जो आरोपी है ये किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं क्या, ऐसी कोई खबर मिली है, और इनको कितने दिन की पीसी मिली है? ये कोई गैंग से ताल्लुकात नहीं करते हैं और ये इंडिविजुअल केसेस करते हैं। इसमें से जो दीपक मिश्रा जो आरोपी है, जो न्यू मुंबई में जो जिसने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चोरी का केस किया था और यहाँ का, उसके कई आरोपी के अलग अलग उसके साथीदार है। उसने बहुत जगह, मतलब मुंबई, न्यू मुंबई, थाना में, पालघर में, ये अलग अलग जगह पे बहुत सारे घरपोड़ी चोरी के गुने किए हैं और उसके अलग अलग उसकी उकल हो रही है। सर, दीपक मिश्रा को आपने कहा कि मौका लगने के बाद दीपक मिश्रा कहाँ रहता था और आपने कहाँ से उसे गिरफ्तार किया? वो मौका लगने के बाद में वो तो फरार था। वो जहाँ भी, वो किसी से कांटेक्ट करता नहीं था, वो अपना किसको अता पता बोलता नहीं था, मोबाइल यूज़ नहीं करता था। हमें उसके बारे में जानकारी मिली क्योंकि हम SBT के घरपोड़ी चोरी के गुने उकल करने के प्रयास कर रहे थे। दौरान हमें जो जानकारी मिली, जो इन्फॉर्मेशन मिली कि हम एक आरोपी, ऐसा दीपक मिश्रा नाम का आरोपी है और ये परिसर में भी आता है, तो हमने उसको खाड़ीपार एरिया के वहाँ से उसको हमने, हमारे स्टाफ ने उसको ये करके रेड करके उसको पकड़ा गया है। यहाँ पर दीपक मिश्रा कहाँ रहता है? दीपक मिश्रा उसका नेटिव है, ये प्रतापगढ़ का है। वो जेठवाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में रहने वाला है, प्रतापगढ़ UP, और इसके पहला वो नाला सोपारा के जुरिडिक्शन में रहता था। करीब सभी आरोपी को आप लोगों ने अरेस्ट किया है और भी आरोपी फरार है? बराबर है, कई आरोपी को हमने अरेस्ट किया है जिसमें से कुछ वांटेड एक्यूज्ड है, वो उसके बारे में हम आगे का इन्वेस्टिगेशन। सर, एक सवाल ये है कि इस काम को पूरा करने में आपका डिपार्टमेंट कितना समय लिया और कैसे कैसे इनको अरेस्ट किया? हमने तो एक महीने के अंदर ये सब केसेस, 28 केसेस हमने डिटेक्ट किया है और दिन रात मेहनत किया है ऑफिसर्स ने और कर्मचारी ने, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके ऊपर वर्कआउट करने में कई देर लगता है। उसका वो सब बाकी का सब मिलके आना चाहिए है, उसके लिए देर लगता है। इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा टफ काम रहता है, लेकिन वो क्राइम का काम ही है वो। और जितने आरोपी पकड़े गए भिवंडी के कितने? यहाँ भिवंडी के एक दीपक मिश्रा छोड़ के बाकी सब भिवंडी और ये थाना कमिश्नर के आरोपी लगभग। यहाँ हमने अभी लगभग 6-7 आरोपी अरेस्ट किए हैं और बाकी वांटेड कुछ आरोपी हैं, उसके नाम हम नहीं बता सकते। कौन कौन से पुलिस स्टेशन का ये मामला है? ये थाना जुरिडिक्शन में बहुत सारे पुलिस स्टेशन से है, जैसे कि या भिवंडी रहेगा, नारपुले है, हिल लाइन है, वर्तक नगर है, श्रीनगर है, कड़वा पुलिस स्टेशन है, टिटवाला है, बहुत सारे जुरिडिक्शन का ये केसेस डिटेक्ट किया है, लेकिन थाने कमिश्नरेट के सब केसेस का ये डिटेक्शन हो गया है। ये आरोपी पुलिस कस्टडी में है, कुछ एक आरोपी वो दीपक मिश्रा है, उसको हमने नवी मुंबई के ताबे में दे दिया है और आगे ये है उसका पुलिस कस्टडी खत्म हो गया, उसको आज कोर्ट के सामने ये करना है, पेश करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।